नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं श्रभि आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले फेज का जो मतदान है वो 28 अक्टूबर को होना है और इसमें पटना जिले के भी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। हालांकि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 16 जिले के 71 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे। अगर पटना के उन 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो उसमें मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम, मोकामा और बाढ़ आते हैं और दोनों ही जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं महागठबंधन और एनडीए ने पूरी तैयारी, पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरह हम अपना जीत का परचम लहराएं। इन सब के बीच आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि दोनों ही प्रमुख दलों के कौन कौन से नेताओं के बीच में कांटे की टक्कर पहले फेज में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि राजधानी पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम सीट पर पहले चरण में और बाकी सीटों पर दूसरे दौर में चुनाव है। ऐसे में जिले के पहले चरण की 5 सीटों में से सिर्फ एक सीट एनडीए के पास है। मोकामा सीट पिछली बार अनंत सिंह ने निर्दलीय रहकर जीती थी, जबकि इस बार वो आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। विक्रम सीट कांग्रेस के पास है और पालीगंज व मसौढ़ी सीट पर आरजेडी का कब्जा है। हालांकि इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में पटना के इन 5 सीटों पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। बिहार चुनाव के पहले चरण की हॉट सीट मानी जा रही मोकामा से बाहुबली आनंद सिंह चौथी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो इस बार आरजेडी के चुनाव निशान पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके खिलाफ जदयू ने राजीव लोचन को उतारा है। वहीं एलजेपी से सुरेश सिंह निषाद और आरएलएसपी से दिलराज रोशन सहित कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। मोकामा सीट पर भूमियार वोटर्स की संख्या अधिक है। खुद अनंत सिंह भी भूमियार जाति से ही आते हैं और ऐसे में उन्हें इसका फायदा भी मिलता रहा है। 2015 चुनाव में अनंत सिंह से निर्दलीय उतरकर जेडीयू के नीरज कुमार को करीब 15,000 मतों से मात देकर जीत दर्ज की थी। वहीं अगर पालीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो पालीगंज सीट के मुकाबले को एलजेपी ने काफी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। पालीगंज से मौजूदा विधायक रहे जयवर्धन यादव ने इस बार आरजेडी छोड़कर जेडीयू के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। इनका मुकाबला भाकपा माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ से है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी से बगावत कर एलजेपी से उतरी पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने पालीगंज के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि यह जयवर्धन परिवार का मजबूत इलाका माना जाता है। उनके पिता रामलखन यादव भी कई बार विधायक रह चुके हैं। वहीं अगर विक्रम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विक्रम विधानसभा सीट पर बीजेपी के बागी नेता के निर्दलीय उतरने से यहां की सियासी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रही है। यहां महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ मैदान में हैं, जबकि एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी अतुल कुमार ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय उतरे अनिल कुमार ने मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। 2015 में कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ और बीजेपी के अनिल कुमार के बीच मुकाबला हुआ था। कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को करीब 44,000 मतों से मात देकर कब्जा जमाया था। बीजेपी ने इस बार अनिल कुमार का टिकट काटकर अतुल कुमार पर दाव लगाया है, तो अनिल कुमार निर्दलीय सहित कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पटना जिले की मसौढ़ी विधानसभा सीट पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के नूतन पासवान और आरजेडी की मौजूदा विधायक रेखा देवी के बीच है। वहीं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पटना की बाढ़ विधानसभा सीट पर इस बार भले ही 18 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर ताल ठोक रहे हैं। हालांकि 2015 के चुनाव में बाढ़ सीट पर बीजेपी के ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू और जेडीयू के मनोज कुमार बीच हुआ था। इस मुकाबले में बीजेपी ने करीब 12,000 मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बदले हुए समीकरण में जेडीयू बीजेपी के साथ है और कांग्रेस सामने है। ऐसे में देखना है कि इस सीधी लड़ाई में बाजी कौन मारता है। तो
तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। तमाम जो तैयारियां कोरोना को देखते हुए करनी थी वो सारी जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग ने कर ली है। अब मतदान होंगे 28 अक्टूबर को। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये जो पटना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, मसौढ़ी, पालीगंज, बाढ़, विक्रम, इन सभी पर 28 अक्टूबर को ही मतदान होंगे। मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1000 रखी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कोरोना के दौर में जहां एक तरफ सभी लोग घरों में बंद हैं, वैसे में वोट प्रतिशत कितना होता है, कितने लोग घरों से बाहर निकलकर वोट देने जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा और किसके सर पर जीत का सहरा होता है। ये जो पटना जिले के 5 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में मतदान होने हैं उसमें कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता की सहानुभूति किससे मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।